गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर हेलोरेंस, कि हेलोरेंस को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कि रोशन प्रसंस्करण के द्वारा भी हम हेलोरेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एक और देखिए, डाइएटोटाइप के निर्माण होता है स्टैंड बाई रिएक्शन होती है, उसके द्वारा भी दो रिएक्शन और हमारे पास एक रिएक्शन होती है तो हमारे पास डाइएथिलमीन साल्ट बनता है। हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वो बनेगा N2 पर आएगा प्लस Rex पर बनेगा साइड। ठीक है, डाइएथिलीन साइड बनेगा। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड इसका नाम हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड है ना, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड में मैं क्या करूँगा, इसमें मैं टू हैलोजन्स ऐड करूँगा। ठीक है, सपोज कीजिएगा मैंने इसके अंदर मान लीजिएगा Cu2Cl2 और प्लस मैंने HCl को ऐड कर दिया, या फिर मान लीजिए मैंने इसके अंदर Cu2Br2 प्लस HBr को सपोज कीजिएगा मैंने अगर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास क्या बनेगा, इसके अंदर मेरे पास बनेगा क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर मेरे पास क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर मेरे पास क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं स्टैंड बाय इस रिएक्शंस को हम बेटा स्टैंडमायर रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ये स्टैंडमायर रिएक्शंस होती है। एक और होती है हमारे पास, दैट इज वाटरमैन रिएक्शन, वाटरमैन की ये डबल टी या वाटरमैन रिएक्शन। व्हाट इज द वाटरमैन रिएक्शन, की वाटरमैन रिएक्शन क्या होती है, वही है मेरे पास, ये मेरे पास है एनिलीन भी से कहा जाता है, क्योंकि ये मेरे पास NH2 डेल्टा, NH2 को हम एनिलीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, इसको आई के से कंसिडर किया करते हैं एनिलीन। When the anilines are heated in the presence of NaNO2 plus HX, when the anilines are heated in the presence of the NaNO2 plus HX, then benzene diazonium forms. Then ये मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर N2 पर आएगा plus और X पर आएगा minus, benzene diazonium halide बनेगा। और ये जो benzene diazonium halide है ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप अपना Cu plus HCl, Cu plus HCl या फिर Cu plus HBr को जब आप mix करोगे, ये मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से ये मेरे पास एक तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, एक मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा, वाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, नाउ यू कैन सी व्हाट इज द वाटरमैन रिएक्शन, कि व्हाट इज द वाटरमैन रिएक्शंस, कि वाटरमैन रिएक्शंस क्या होती है, तो यू विल राइट वह वाटरमैन रिएक्शन होती है वो, कि when the anilines are the heated in the presence of the nitrous acid, then the benzene diazonium salt are formed, and these are once again heated in the presence of the Cu powder and the HCl, and the Cu powder and the HBr, with the formation of the bromobenzene take place. Cu plus HCl, and you can also write here Cu plus HBr, then the bromobenzene formation take place. This reaction known as the Gaterman. Okay. So these are the method to prepare the, ये दो हमारे पास तरीके हो गए, एक सेंडबा रिएक्शन है, सेंडबा रिएक्शंस के द्वारा हम सेंडबा रिएक्शंस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सेंडबा रिएक्शन के द्वारा भी हम जो हेलोएरिंग्स को बना सकते हैं, और ये हमारे पास एक गाटरमैन रिएक्शंस है, और इस गाटरमैन रिएक्शंस के द्वारा भी हम हेलोएरिंग्स को बना सकते हैं। ये हमारे पास कुल मिलाकर के जो मेथड्स हुए, वो कितने मेथड हमारे पास हो गए, एक तो रोशन प्रक्रम मैंने आपको बताया था, रोशन प्रक्रम के द्वारा भी हम हेलोएरिंग्स को बना सकते हैं, एक मैंने आपको होल्स बीकर प्रोसेस बताया था, होल्स बीकर प्रोसेस के द्वारा भी हम हेलोएरिंग्स को बना सकते हैं, एक मेरे पास सेंडबाय रिएक्शन है, सेंडबाय रिएक्शंस के द्वारा भी आप हेलोएरिंग्स को बना सकते हैं।
सकते हो, एक गॉटरमैन रिएक्शन, इस गॉटरमैन रिएक्शन के द्वारा भी आप हैलो एलिमेंट्स को बना सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हैलो एलिमेंट्स को बना सकते हैं। हमारे पास हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो आयंस कि हैलो आयंस को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हैलो आयंस के प्रिपेयर करने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, ये हमारे पास कंप्लीट हुए। अब उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी वो क्या आएगा आपको देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो आयंस कि हेलोएरिन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास होती, इसके बारे में हम स्टडी करना है कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएरिन। सबसे पहले देखेंगे दीज आर कलरलेस कि कलरलेस होते हैं हेलोएरिन। सेकंड चीज लिखेंगे दीज आर ऑयली नेचर्स का मतलब तेलीय प्रकृति के एक तरीके से कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर सॉलिड These are liquid or solid. 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 These are liquid or
सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करते हैं, इनकी डेंसिटी अगर हम पॉइंट पर फिट लेते हैं, डेंसिटी तो हाई देन वाटर, हाईर देन वाटर की वाटर से ज्यादा इनकी डेंसिटी होती है, ठीक है। एक बार हम लिख सकते हैं कि इनकी स्पेसिफिक स्मेल होता है, स्पेसिफिक स्मेल भी पाया जाता है। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरेंस, कि हेलोरेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आपको क्या लिखना है हेलोरेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये लिखना है। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि हेलोरेंस आर कलरलेस, हेलोरेंस आर द कलरलेस कंपाउंड। सेकेंड चीज जो आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखनी है वो ये लिखनी है कि दीज आर ऑयली इन नेचर, ये ऑयली इन नेचर होते हैं। अगला जो आपको लिखना है वो लिखना है दीज आर लिक्विड और सॉलिड, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको लिखना है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कि वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। डेंसिटी हायर देन वाटर होती है इनकी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो हायर देन वाटर पर होते हैं, और इनमें स्पेसिफिक स्मेल पाया जाता है। तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। रिएक्शन विद मेटल आएगा, फोर्थ आएगा दैट इज
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वी विल राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स। तो हैलोजन की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हैलोजन्स जो होते हैं, हैलोजन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो हैलोजन्स होते हैं फोर टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। फर्स्ट रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन रिंग, कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होंगी। सेकंड इज द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिडक्शन रिएक्शंस की इनकी रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है हैलोजन्स की। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिएक्शन विद द मेटल, की हैलोजन्स जो होते हैं वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। और लास्ट पर हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजन्स, कि हैलोजन्स की क्या क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं, तो पहले पॉइंट का आप अच्छे से समझिएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंपाउंड मैं लिख रहा हूं, यहां मैंने एक कंपाउंड लिखा है, दैट इज इस कंपाउंड का नाम है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, Cl, इसका नाम है जी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसका नाम है, क्लोरोबेंजीन है, या इस पर ये लोन पेयर पाए जाते हैं, या इस पर लोन पेयर पाए जाते हैं, आपको पता है इसका प्लस आर प्रभाव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें यहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जब इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां पर ये मेरे पास सी एल, इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां माइनस चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ये सीएल पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो ये यहां पहुंचेगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां मेरे पास माइनस चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ये सीएल पर और ये प्लस चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये इधर मूव करेंगे, ये नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्स मेरे पास जो बनेगा ये सीएल बनेगा। अगर इनका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो किस तरीके से, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप इन क्लोरोबेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको जब आप देखोगे तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखते हो तो देखते तो क्या होता है, यहां पर जब आप देखते हो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, कि जहां पर इसमें नेगेटिव चार्ज होता है ऑर्थो कंडीशन है, यहां देखो ये पैरा कंडीशन है, पैरा कंडीशन में भी इसका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहां ऑर्थो कंडीशन है, यहां ऑर्थो कंडीशन पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, डबल बॉन्ड और सीएल पर प्लस आ रहा है। ठीक है, अब बताओ यहां पर क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हो गई। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इजीली हो सकता है कि हो सकता है, इजीली हो सकता है। अगर मान लीजिए आग इसी पर अगर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाओगे क्या इजीली हो सकता है, इजीली नहीं हो सकता, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली नहीं हो सकता, ये इजीली हो सकता है। तो यहां एक बात समझ में आई कि क्लोरोबेंजीन इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्लोरोबेंजीन में क्लोरो ग्रुप इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन ए क्लोरोबेंजीन। इन ए क्लोरोबेंजीन व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन, when we draw the resonating structure of the chlorobenzene, then we saw that the chlorine have the plus R effect. Due to the plus R effect, it's in a resonating structure, the ortho and para position the electron density increase. Ortho and para position electron density decrease हो जाती है, वो increase हो जाती है, जब ortho and para position पर electron density increase हो जाएगी, तो उसमें जो electrophile का attack होगा, वो ortho para स्थिति पर आसानी से हो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि क्लोरोबेंजीन इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज क्लोरोबेंजीन इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी सॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, electron density increase on the ortho and the para position, so its electrophile may be attack easily in ortho and para position, so it is the ortho para directing, isliye kya hota hai chlorobenzene ortho para directing hota hai।
तो ये मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई है क्लोरोबेंजीन की, तो वी कैन राइट क्लोरोबेंजीन इज द, वी कैन राइट क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इज द ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, वी कैन इजीली राइट क्लोरोबेंजीन इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये इजीली लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहे, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक का जो अटैक होगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल दूं तो ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो वी कैन राइट, हम यहाँ एक और चीज देख सकते हैं कि बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, इज मोर रिएक्टिव, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि बेंजीन में और क्लोरोबेंजीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो आप लिख सकते हो कि बेंजीन इज मोर रिएक्टिव रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इन बेंजीन देयर इज नो इफेक्ट, बेंजीन में कोई इफेक्ट नहीं होता, बट इन क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, और इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है वो इजीली नहीं हो पाता। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिंग्स के बारे में हमने स्टडी किया, केमिकल प्रॉपर्टीज जब हैलोएरिंग्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें पहला पॉइंट आपको पता है हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन का प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और इसकी जो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हम अच्छे से देखते हैं तो ऑर्थो और पैरा स्थिति जो होती है, उन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इजीली हो जाता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन जो होता है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है क्लोरोबेंजीन इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भाई, तो यू कैन राइट इसका आंसर, आप इसका आंसर लिख सकते हो, और साथ में आपका आंसर जब लिखोगे तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा बेंजीन इज द मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोबेंजीन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्लोरोबेंजीन में जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और बेंजीन में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए बेंजीन में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जाए तो बेंजीन पर फास्टली होगा देन द क्लोरोबेंजीन। वी कैन से टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीन बेंजीन इज द मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% मिलेगा, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये खत्म हो गया बेटा ना।
तो ये पढ़ाऊंगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो कितने टाइप्स की होती है, है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है हाउ मेनी टाइप्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है मेरे पास फोर टाइप्स की होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी तो मेरे पास कितने टाइप्स की होंगी बेटा, फोर टाइप्स की होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी फोर टाइप्स की होंगी। टाइप्स नंबर वन में अगर हम बात करते हैं, पहला टाइप आएगा वो दैट इज हैलोजिनेशन, पहला टाइप इसका आएगा दैट इज हैलोजिनेशन। दूसरा टाइप आएगा दैट इज माइग्रेशन, दूसरा टाइप मेरे पास माइग्रेशन है। तीसरा टाइप है दैट इज सल्फोनेशन आएगा। फोर टाइप आएगा दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बता सकता हूँ आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ना जो क्लोरोबेंजीन में फोर टाइप्स की होगी, पहला टाइप आएगा दैट इज हैलोजिनेशन, दूसरा टाइप आएगा दैट इज माइग्रेशन, थर्ड टाइप आएगा दैट इज सल्फोनेशन, एंड फोर्थ टाइप आएगा वो आएगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये चार तरह का हो गया, आपका उसको एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करवाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। पहला टाइप आएगा, उस पहले टाइप को हम क्या नाम देंगे, फर्स्ट टाइप विल बी द हैलोजिनेशन, पहला टाइप हैलोजिनेशन होगा। सेकंड टाइप हमारे पास माइग्रेशन होगा, थर्ड टाइप हमारे पास कौन सा होगा सल्फोनेशन होगा, और फोर्थ जो टाइप होगा वो होगा हमारे पास कौन सा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा। तो इन टाइप्स को एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला टाइप आपको हैलोजिनेशन कल पढ़ाया जाएगा, हैलोजिनेशन के साथ में आपको नाइट्रेशन भी पढ़ाया जाएगा, नाइट्रेशन के साथ में आपको सल्फोनेशन भी पढ़ाया जाएगा, सल्फोनेशन के बाद में आपको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। इस तरह दो या तीन क्लासेस में ये हमारा लेसन है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जब दो या तीन क्लास में लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर शायद पॉलीमर के नाम से होगा, मतलब तो कंटिन्यू में चलने देंगे या फिर पॉलीमर वाला एक अच्छा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपको कोई रिएक्स प्रॉब्लम शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्किन्स है, ये कंप्लीट हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं।